तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और गाइस एंजॉय कर रहे होंगे। आज गाइस कुछ ऐसे ही है, सुस्ती सी पड़ी हुई है, अच्छे से फ्रेश ही नहीं हो पा रहे आज। मैं जा रहा हूँ गाइस अभी मतियाना, और आज सुबह से लेके गाइस एक चीज़ तो नोटिस करी है, वैसे मौसम आज उतना ठीक नहीं था बताया हुआ, बट पोल्यूशन देख सकते हैं आप कितना नज़र आ रहा है। देखिए पता नहीं गाइस, कहीं एक तो इधर बाहर कल कहीं आग लगी हुई थी, उस वजह से बहुत दिक्कत दे रहा है। देखिए इधर जहाँ तक क्लियर नज़र आता था गाइस, वो वाला एरिया भी हमारे को क्लियर नहीं आ रहा है नज़र। मैं गया था मतियाना, वहाँ से आया नारकंडा, अब पहुँचाऊँगा इस वापसी अपने ऑर्चिड को। तो गाइस ऑर्चिड में आके तो घूमना ही होता है, बट एक खप हो गई थी आज हमारे साथ, वो हमारी गाड़ी का आज डेफ ख़त्म हो गया था, और उसकी चक्री में डेफ की वजह से गाइस क्या कहते गाड़ी ने रेस ही छोड़ दी, जैसे रेस लेती है गाड़ी, तो दिक्कत हो गई थी। फिर करा कैसे तैसे कंपनी को कॉल, फिर उनसे बात हुई है महिंद्रा वालों से, उन्होंने बताया कहते अभी तो नहीं चल पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि उसकी रेंज 1900 किलोमीटर बता रही थी। उसी वजह से गाइस मैं यूज़ कर रहा था, क्योंकि गाड़ी की सर्विस आएगी तभी जाना था मैंने भी नीचे को शिमला या रामपुर सर्विस करवाने, बाकी देखेंगे क्या। और गए क्या कहते सेब कम है जो यहाँ पे फ्रूटिंग नज़र आ रही है, और ये हमारा स्वीट सरीटा का प्लांट, नीचे इसका रूट तो चल पड़ा है लेकिन ऊपर नहीं चल पड़ा है, ऊपर नहीं चल रहा है प्लांट गाइस। और गाइस मैक्सिमम फ्रूट इधर भी ऐसा ही है, देखिए फ्लावर पूरा का पूरा वेस्ट है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग वो रखी थी गाइस। अभी मैं ऊपर यहाँ पे रोड में बात कर रहा था, यहाँ के जो हमारे अपर इसमें रहते हैं, इससे ऊपर NH से ऊपर को रहते हैं जो चेरीज, फिर ठीक है गाइस ये देखिए चेरीज अब नज़र आ रही है प्रॉपरली, यहाँ देख सकते हैं आप कहीं तो दाना बड़ा हो गया है। चेरी की फ्रूटिंग तो इस साल लगभग ठीक ही है ना, हमने से तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो काफ़ी है, और फ्लावर थोड़े कम सेट हो पाए हैं क्योंकि वो मेन दिक्कत रही है यहाँ पे एकांतवाड़ी में, मौसम जो स्टार्टिंग में ख़राब हुआ था उसकी मार तो गाइस पड़ती ही है ये समय में अपने। ये देखिए इस ऑर्चर्ड में इधर को ठीक है, मेरे को पता भी था थोड़ा, क्योंकि यहाँ का जो फ्लावरिंग हुई थी यहाँ पे ठीक टाइम पे जिस समय क्या कहते धूपे लगी हुई थी, और इससे जो उस तरफ को मेरा ऑर्चर्ड है मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसमें गाइस बीच में 2-3 बारिशें आई है और ठंड और गर्म दोनों सर्द गर्म होता रहा है मिक्स करके, तो उसमें बड़ी दिक्कत रही है। ये देखिए मिस्टर बाई चुरासी, तो ये देखिए गाइस इसी देर को अभी भी ये देखिए, इसीलिए वो वाले ऑर्चर्ड में सेटिंग नज़र आ रही है, इसमें अभी भी गाइस फूल टिका हुआ है, और सब बंदे यही बोल रहे हैं कि इस बार तो कुछ अजीब ही फूल है जो कि भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये प्लांट तो गाइस ये तो कलम चलनी भी मुश्किल है, क्योंकि कलम थोड़ी छुकी भी थी। ये देखिए इसमें गाइस टोटल इतनी कम इतनी अच्छी फ्रूटिंग के बाद देख सकते हैं आप लोग, ये सामने की रिजल्ट है, मैक्सिमम फ्रूट का गुच्छा निकाल रहे हैं, देखिए सारा का सारा इकट्ठा हाथ में आ रहा है, देख सकते हैं आप टोटल। ये देखिए ये यहाँ की फ्रूटिंग है, हमने सोचा था इस साल
इस एलिवेशन पे हमारे ऑन ईयर होगा, लेकिन गाइस टोटली ऑफ ईयर है। ऑटोमेटिकली ऑफ हुआ है गाइस ये ईयर। इसमें गाइस चिप दे रखी है मैंने एक, यहाँ से देखते हैं सर्वाइव होगी कि नहीं। गाला की है अभी तो, बाकी देख पा रहे होंगे आप लोग, यही है गाइस। इस साल तो यहाँ पे बड़ा बुरा हाल है, उस वाले ऑर्चर्ड में तो फिर भी है ही है, बट इधर ऑल ओवर इस साइड में कम है फसल। तो कम फसल का मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे ऑल ओवर जो हमारी फ्रूटिंग आएगी वो कम आएगी, देखिए। और जो है वो वहाँ पे प्रॉपरली लंबा हो चुका था ना, लंबा भी हो चुका है, मोटा भी हो चुका है। हमें को टंकी भी लगानी है भरने को यहाँ पे। ये देखिए गाइस ये हालात है ऑल ओवर गाइस, ये फ्रूट सारा हाथ में आ रहा है, देखिए जितनी फ्लावरिंग थी। सो ये हमारा ऑर्चर्ड, और यहाँ पे हमने टॉपर करा है चेरीज पर। ये देखिए चेरीज की फ्रूटिंग तो फिर भी है ही है ना होने से, मतलब जिनके तो चेरीज ज़्यादा होती है उन लोगों के तो काफ़ी अच्छी फ्रूट। बट गाइस इधर को इस बार ऐसा आएगी अच्छी फ्रूटिंग आएगी ऑन ईयर वाली। देखिए मैंने चिप की ओर शिफ्ट करा था इसको, मेरी कलम तोड़ दी थी किसी ने रीपैक करके, और कलमों में बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए इस पे कीड़ा लग गया है, ये लीव्स पे, इस कीड़े को निकालना पड़ेगा पत्ती के ऊपर से, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए इधर तो ग्रो कर चुकी है कल में हमारी। सो ये है गाइस हमारा ऑर्चर्ड। और ये वाला पेड़ में तो गाइस मैंने लास्ट ईयर ट्रेंचिंग करवाई थी, देखिए इस साल भी इसमें रूट रोट की शिकायत है ही है। इसको मेरे को इस बार अभी इस पर दोबारा से करना पड़ेगा इसका इलाज, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ है गाइस, अगर इतना बड़ा पेड़ सूख जाएगा तो आप समझ सकते हैं। लीव्स ही बता देती है इसकी तो रूट रोट की, और वहाँ ऊपर भी हमारी कलम है, ये देखिए अच्छे से चली गई है। सो मेनली तो मैं इस कलमों को चेक करने ही आ रखा हूँ, देखिए और ये वाली कलम चली हुई थी लेकिन सूख गई है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, हिलाई होगी किसी ने, अब क्या बोल सकते हैं। पहले वाली कलम एक तोड़ी थी इसी प्लांट में, यहाँ पे किसी ने ऊपर से मतलब तोड़ के कर दी थी, दो कलमें करी थी मैंने। सो बाकी ऑल ओवर गाइस हमारी हाइट्स में कम है, से इस साल बाकी अब मिलेंगे आपसे घर पर ही। मेरा बस ये ऑर्चर्ड को घूमने आया था, देखना था ज़रा फ्रूटिंग कैसी है। देखिए टोटल बर्ड्स खाली है, और जहाँ पे फ्लावर था वो देखिए वो सारा हाथ में आ रहा है, देखिए इनसे लिया हुआ है सारा। सो चलो ये तो ऑन ईयर ऑफ ईयर होता रहता है। यहाँ पर हेप का ग्राफ्ट करा था मैंने, देखिए चल पड़ा है। ये देखिए गाइस ये हमारा फर्स्ट ईयर में प्रॉपरली अच्छा सैंपल दे रहा है ये इस साल प्लांट, देख सकते हैं आप। इतना बड़ा प्लांट होने के बाद गाइस इसमें अभी एक दो साल पहले चेरी निकाली थी हमने इससे 7 डब्बे, लास्ट ईयर निकाले थे हमने इससे 4 डब्बे, 4 डब्बों में भी गाइस ज़्यादा चेरीज फटी हुई थी।
तो ये चेरी की प्रोडक्शन है हमारी एलिवेशन पर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आती है गाइस एकांतवाड़ी नारकंडा कंडियाली की एलिवेशन पर, और हमारे साथ साथ गाइस बागी की एलिवेशन भी, बागी में भी गाइस इसी तरह की चेरी आती है सेम टाइम पर। हाँ गाइस थोड़ा लेट आता है हम लोगों की चेरीज बट बरसात के करीब, बट आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी, और यहाँ की चेरीज का और गाइस लोअर एलिवेशंस की चेरीज का आप लोग कंपेयर करेंगे तो रात दिन का फ़र्क दिखेगा। गाइस मैं आ गया हूँ दोबारा से अपने हाइट वाले और चुटको, मैं जल्दी करते करते लेट हो गया, मेरे ऐसा था कि यहाँ पे ऑल ओवर पूरे में घूमूंगा। आज हम लोग मक्खी उठा रहे हैं, तो मक्खी उठाने आए थे देखिए, बट लेट हो चुका हूँ। यहाँ पे कितने सारे फ्रूट सेट हुए हैं, और अब मैं इसमें उंगली ही हिलाऊंगा, यहाँ देखिएगा, ये देखिए सिर्फ एक फ्रूट बचा है, देखिए तीनों, मात्र एक फ्रूट, कितने फ्रूट थे यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ दो है, यहाँ देखिए मैक्सिमम एक ही रह रहा है हर बर्ड में इस साल हमने, ये भी विदाउट पीजीआर के रिजल्ट्स है, क्योंकि पीजीआर को हम लोग कितना ज़्यादा नहीं करते, मतलब फर्स्ट 3-4 ईयर तो दबके करा था, बहुत क्रॉप ली थी, लेकिन उसके बाद एक चीज़ समझ आई है कि आप क्रॉप कम ले वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए, ज़्यादा क्रॉप का लालच करना व्यर्थ है, एक तो आपका क्रॉप में वो मज़ा नहीं आएगा जो आपका ऐसी क्रॉप में आएगा, मतलब लोगों को बहुत लोग कह रहे थे मेरे को कि भाई आपके इस ऑर्चर्ड में ठीक है एप्पल, यहाँ देख सकते हैं आप, तो देखिए एक ये देखिए बिना कुछ छेड़े हुए ही इतना कम सेब रह रहा है, ये तो इसमें अगर थिनिंग कर दी जाए तो कुछ भी नहीं बचने वाला है, सो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं इस साल हम लोग ज़्यादा थिनिंग, मैं तो सोच रहा था, मैं भैया को भी कह रहा था, मैं कहा इस साल तुम्हारे को एकांतवाड़ी में थिनिंग ही करनी पड़ेगी तब ही हम लोग सक्सेस हो पाएंगे क्वालिटी फ्रूट करने को, लेकिन भैया ने मेरे को, कल भैया आया था ऑर्चर्ड देखने, उन्होंने कहा मेरे को कि भाई तू एक बार जाके चेक कर ले अपनी तसल्ली कर ले फिर मेरे को बताइयो भाई थिनिंग की ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए कहीं कहीं किसी किसी बर्ड में है, मतलब गिने चुने बर्ड्स में जिसमें आपको थिनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत कम, ये देख सकते हैं मैक्सिमम फ्रूट है हमारा ऐसा हिलाने से ही झड़ रहा है, मैं तो इधर को अच्छे फ्रूट्स कह रहा था बट उतने अच्छे भी नहीं है, मैं आया स्पेशली यही देखने था, देखिए मतलब हिलाने पे ये देख सकते हैं आप, अभी मैंने ये टेना हिलाया है इससे देखिए कितने फ्रूट्स पूरे नीचे आ गए मैक्सिमम फ्रूट्स, और अब मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, ये देखिए कुछ भी नहीं बचा है गाइस, एक एक फ्रूट बचा है, ये देखिए कहीं कहीं पर ऐसा है जहाँ पे तीन के तीन दाने सेट हो रखे, देखिए भी ये कंडीशन है जी इस साल ऑल ओवर सारे में यही हालात है, पेटल फॉल के बाद, ये पेटल फॉल के लिए सबके दाने थे लेकिन उसके बाद जब देख सकते हैं आप लोग कितने ही से बचे हैं, अब तो मैं नहीं समझता कि ऑल ओवर फसल ओवर होगी, कम क्रॉप ही है इस साल, कहीं कहीं पे इस तरह से फ्रूट मैक्सिमम फ्रूट डेवलप कम हुआ है, तो आप लोग अपने ऑर्चर्ड को ध्यान रखें,
हम भी उठाते हैं मक्खी के डब्बे। अब मैं जो चेक करना था वो चेक कर दिया है। ये एक पेड़ जाली से बाहर था, देख लेते हैं ज़रा जाली के बाहर का फ़र्क और अंदर का क्या फ़र्क है नेट्स के अंदर का। ये इस पेड़ पर अभी तक हमने जाली डाली ही नहीं है। और ये कलम हमारी तोड़ के किसी ने बांधी है चालू ने। अरे गाइस यहाँ पे हमारे सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे लोग रास्ता है हमारे खेत से पीठ पीछे, जैसे हम लोग यहाँ पे और होते नहीं हैं तो पीठ पीछे गाइस लोग चलते हैं। ये मेन रास्ता है, एक ही रास्ता है इसमें गाइस पूरे ऑर्चर्ड में हमारे इस तरह चलते लोग, इधर से ऊपर उधर से नीचे इधर से परे बीचों बीच, मतलब मेन रास्ते से कोई नहीं चलता क्योंकि पेड़ के पीछे ऑर्चर्ड है ये। सो इस वजह से इसमें ये दिक्कत रहती है, टूट फूट बहुत होती है, कल में बहुत टूटती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने समर क्वीन कर रखा है। सो नेट्स के अंदर और बाहर का ये फ़र्क है, देख सकते हैं आप लोग नेट के अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग थी। और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौवे बर्ड नाइन्थ बर्ड पर आया है फूल नेट के बाहर। और अब मैं आपको नेट के अंदर दिखा लेता हूँ। नेट के अंदर हर दूसरे तीसरे बर्ड में, क्योंकि लीव्स डैमेज नहीं होती है। ये देखिए यहाँ से हमारा टहना शुरू हुआ छोटा है, ये भी फर्स्ट यहीं पे देख लीजिए इसी बर्ड में आप लोग फ्रूट। दो दाने इसमें हैं, ये बाकी ये जड़े हुए हैं, इनको ना समझे ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट बर्ड, इस बर्ड पे नंबर वन बर्ड पे एक, नंबर टू खाली, नंबर तीन पे दो, फिर आ जाओ आगे नंबर चार वाला बर्ड खाली, नंबर पाँच वाले बर्ड पे एक, नंबर छः वाले बर्ड पे दो, फिर आ जाओ आगे। ये देखिए यहाँ से आगे बर्ड पे सातवें बर्ड पे एक दाना, आठवें बर्ड पे दो दाने, उसके बाद नौवें बर्ड खाली, फिर वापसी। ये देखिए दस ग्यारह बारह पे है दो दाने सेट हुए हुए, और उसके बाद सीधा फ्रंट पे दिखेगा आपको। ये जाली के अंदर का मज़ा है। सो बाकी गाइस हम भी करते हैं जालियाँ सॉरी मक्खी के डब्बे अंदर, नहीं तो लेट हो जाएंगे, इतने में मक्खी वाला बंदा भी आ जाएगा। देखिए ये आ चुके हैं हमारे मक्खी के डब्बे। चल ये भी डालो, तीन डब्बे चले जाएंगे। हाँ चल फिर चल आगे। ये हमारे मक्खी के डब्बे, और ये देखिए रॉयल गाला। सो गाइस ये देखिए हमने मक्खियाँ कर दी है लोड, दो डब्बे हो रहे हैं और एक डब्बा गाइस इसमें कहीं से खुल चुका है और मक्खी अटैक कर रही है। अभी तो मेरे फ़ोन की टॉर्च की ओर ही भाग गई थी दो तीन मक्खियाँ। सो पता नहीं कहाँ से आ रही है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है गाइस। तो बाकी चैनल पर जुड़े रहे, स्टे ट्यून। हाँ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मैंने जाना नीचे M9 वाले ऑर्चर्ड को था, उसमें मेरे कुछ प्लांट्स में बोरी रही थी लगाने को, बट चलो अब कल या परसों चौथे दो दिन तो गई मेला आया हमारे गांव में, इस वजह से। चलो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ध्यान रखिए।